करणवीर बोहरा। केवी भैया की अगर बात करें तो दोस्तों केवी भैया ने एक बड़ी बात बोली। जैसे ही वो लॉकअप से लॉकआउट हुए उन्होंने बोला कि मेरा बैडएस होने तक का सिर्फ और सिर्फ इतना ही दायरा था, मैं अगर बैडएस होने की बात करूं इस लेवल तक ही मैं बैडएस हो सकता हूं, बाकी और इस गाली गलौज या फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के मैं खिलाफ हूं। अब आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो जब मुंजली टूटा इस पर केवी भैया ने लाइव आकर एक रिएक्शन दिया है। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यार का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवी भैया जो हैं वो अपनी बातें रखने के लिए बहुत ज़्यादा यू नो एक्टिव रहते हैं, मतलब कि हमने लॉकअप में भी देखा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने पॉइंट रखते थे। ठीक है, अभी उनकी किस्मत ख़राब हुई और वो जो है लॉकअप में आगे नहीं बढ़ पाए, बट दैट डजंट मीन कि केवी भैया जो हैं एक बुरे इंसान हैं या फिर एक अच्छे अभिनेता नहीं है, ही इज़ बेस्ट। केवी भैया ने लाइव आकर दोस्तों बहुत सारी बातचीत करी, जिनमें से एक सबसे बड़ी बात उन्होंने मुनव्वर के खेल को लेकर कही और मुनंजली जो टूटा है उसको लेकर कही। यहाँ पर वो मुनव्वर के लिए कहते हैं कि मुनव्वर बहुत स्मार्ट है, मुनव्वर लोगों को यूज़ करता है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका यूज़ हो रहा है और वो कर चुका होता है। ये अच्छी बात भी है कि वो ज़्यादा तूता या ये सब नहीं करता है, वो बस चीज़ें हो जाती हैं। केवी भैया उसके बाद दोस्तों नीचे ऑडियंस पूछती हैं कि मुनंजली टूट गए के बारे में क्या है कहना। वो हंसते हुए कहते हैं कि ये तो होना ही था, लॉकअप में कोई मुनंजली नहीं है, कोई अंजलि नहीं है, कोई मुनव्वर नहीं है, सिर्फ एक जीतेगा लॉकअप की ट्रॉफी और ये आज नहीं तो कल तो आना ही था, राइट। तो ऐसे में दोस्तों केवी भैया ने साफ तौर पर बोल दिया कि मुन्ना और अंजलि का ये जो पूरा बॉन्ड था ये टूटने ही वाला था, लेकिन अच्छी बात है कि अभी टूट गया, जिससे कि सच्चाई सबके सामने आ गई और ये भी पता चल गया कि मुनव्वर अंजलि के बारे में क्या सोचता है। केवी भैया ने लाइव में आके दोस्तों बहुत सारी बातें भी कही और अपने हेटर्स को भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। हाँ, आपको क्या है कहना इस बारे में कॉमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं मैं, आप मुझे इजाजत दीजिए और खबरें लेकर आता हूं।